ओनी बताओ ना, तीन दुनी छः, छः दुनी बारह, बारह दुनी चौबीस, बाईस कहाँ गया? बताओ ना पोनी, बाईस कहाँ गया? इस औरत से बच के रहना, बड़ी खतरनाक टाइप की है और खतरनाक टाइप की सवाल पूछती है, और जवाब दे पाए तो ठीक है, ना दे पाए तो काट खाती है। बाईस कहाँ गया? बाईस कहाँ गया? मैं पागल हो गया। सच सच पोनी, पोनी तुम नहीं जानते मैं कितनी खुश हूँ। बताए मेरी कुंडली में लिखा है, जब कोई मेरे सवालों से तंग आके पागल हो जाएगा ना, तो उसी से मेरी शादी होगी। पोनी तुम पागल हो गए ना? मैं नहीं हूँ पागल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा दिमाग घोड़े की रफ्तार से तेज भाग रहा है, मैं इंटेलिजेंट हूँ। अच्छा मेरे और सवाल भी हैं। अच्छा पोनी ये बताओ कि 98 का भाई 99 होता है, तो 56 के बचपन का दोस्त कौन है? बताओ बताओ ना पोनी। लोग कहते हैं कि मैं क्रैक हूँ। मुझे नहीं पता। कहते हैं कि मैं क्रैक हूँ। अच्छा पोनी कल ना मैं 17 का पहाड़ा सुनूंगी, याद करके आना, ठीक है? 17 का पहाड़ा। लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं। जल्दी मछली जाए फंस इस दा, हसीना मुझे देख के देती है हंस इस दा। जैसे ही तुम उसको देखती रोमांटिक गाना गाती, वरना वो तुमको पेड़ से उल्टा लटका देती। झाड़ियों में हो रही है हलचल इस दा, कहीं आ तो नहीं गई वो लेडी भालू चंचल इस दा। अगर हो गया उसका आना इस दा, मुझे गाना पड़ेगा रोमांटिक गाना इस दा। मैं हूँ गोपी हवलदार। मिश्रा ने तो कहा था कि उसको गाना सुनने का शौक है, ये मुझे नेल पॉलिश क्यों दे रही है? समझ गया, ये मुझसे नेल पॉलिश लगवाना चाहती है, लेकिन मुझे तो नेल पॉलिश लगानी नहीं आती। मैं क्या करूं? ब्रो, करता हूं मैं ट्राई इस दा, वरना करना पड़ेगा मुझे कराई इस दा। वेल बेबी कम योर हैंड आउटसाइड, कम योर हैंड आउटसाइड बेबी। डाडिया रबा किना जमिया किना ने ले जानिया। 17×17, 17×34, 17×51, मत करो ना हल्ला यार। पीता 17 जो के
17 34 17 51 17 क्या चल रहा है चौकी के कारण अर्जुन? मैं 17 का फाड़ा याद कर रहा हूँ और मैं जी नेल पॉलिश लगाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी। ये ये। तो फिर मैं काम कर रहा हूँ कि मैं जो है ना चौकी में लगा देती हूँ ताला और मैं खुलवा देती हूँ तुम लोगों के लिए एक पाठशाला और एक ब्यूटी पार्लर। अगर जो इतना स्कॉलर और फैशनिस्ता हो रहे हैं दोनों तो मैडम ये सब ये वही केस सॉल्व करने के चक्कर में तो मैडम हो रहा है ये सब। उसके लिए वहाँ पे गए थे तो मैडम वो रूबीना नाम की एक औरत मेरे पीछे पड़ गई है और वो वहाँ पे तरह तरह के मुझसे उल्टे सीधे सवाल पूछती है गणित के और अगर मैं गलत जवाब देता हूँ तो मुझे काट लेती है बहुत जोर से। उसने मैडम मुझे बोला है 17 का पहाड़ा याद करके आना नहीं तो मैं काट लूंगी कहीं से भी पूछूंगी मैं, ऐसा बोला है मैडम उसने बीच में से। या मॉम उस लेडी रीच ने मुझसे लगवाई नेल पॉलिशेस दा, बिल्लू ने कई दिन से नहीं की मेरी मॉलिशेस दा, गलत नेल पॉलिश लगाने पर उसने मुझे मारा चाटा इस दा, हसीना है अगर मछली है तो मैं हूं कांटा इस दा। तो क्यों 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 बने पुलिस, क्यों करी नौकरी? यो सब पुलिस ज्वाइन करने से पहले सोचना था दोनों ने। ऐसा है वी आर पब्लिक सर्वेंट्स और पब्लिक की सेवा करने के लिए कई बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके चीजें करनी पड़े हैं, उसके लिए बिल्कुल ही बिलबिला गए। वो चैंटू चवन्नी मारे जाल में फंस चुका है और बहुत जल्द उसका भांडा फूटेगा, तब तक जरा बेयर करो यार। कटवा ले तू कहां, बिल्कुल ही हाउस ऑफ वैक्स से निकला है, कतई मोम का गुड्डा की कोई काट लेगा तो तू बिल्कुल। और तू तो इतना लेडीज मैन से तेना तो है एक्सपीरियंस, तो रीछन से जरा प्रॉक्सिमिटी बढ़ाओ, रीछन को रिझाओ, जोड़ी वैसी तुम्हारी बढ़िया लगेगी दोनों की, रीछन और रिच। वेल आइए आइए। मैडम मैं पंडित हूँ। तो यहाँ के शादी करवाने आए मुंडन? ना शादी ना मुंडन, सगाई। शनि का दोष है, गर्लफ्रेंड बेहोश है। तेरे सगाई तय कर ली? अबे किससे कर ली? मैडम ये बहुत गलत बात है मैडम, आपने ये बात आपने ऐसे बोल दी मैडम मुझे। मैडम आप ऐसा कैसे बोल सकती है मैडम मुझ जैसे इंसान का, आप इतना भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए ना मैडम, क्योंकि आपको पता है कि अभी तो मेरी कोई शादी भी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। मैडम ज्यादा ना यार हर्ट होने की जरूरत ना है, चौकी में रहना है, ताने सहना सीखो, वरना जाओ गोदी में अपने जो है जीत जाके और निकलो यहाँ से। नहीं नहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझे, गो फॉर इट। अबे गुल्लक की आखिरी चवन्नी, तैने इस उम्र में सगाई करने का फैसला करा है? Well, टूट जाएगी गुल्लक। Well, not a tall is the, हसीना है अगर ठंड है तो मैं हूँ शॉल इज द। तुम किस लिए आए हो यार? अब मैडम आप समझ नहीं रही, मेरा नाम है सगाई और सरनेम पंडित, सगाई पंडित। शनि का दोष है, गर्लफ्रेंड बेहोश है। देखो मामला बहुत ड्रैग हो गया है, पैरोट ग्रीन, इफ तुम जरा बता लो किस लिए आए हो वरना चार आदमियों में से यहाँ एक कम हो जाएगा। या ब्रो व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द, दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द है। अरे मैडम आप ही ने तो मुझे बुलाया था, शनि का दोष है, गर्लफ्रेंड बेहोश है। मैडम ये तो मैडम बहुत गलत बात है मैडम, आप सगाई कर रही हैं, हमको बुलाया भी नहीं आप। मैं डाल दूंगी तेरे अंदर ला कप में, बोल ले वरना फूट ले क्यों आया यहाँ। अरे मैडम आपने वो गन का फोटो भेजा था ना जांच पड़ताल के लिए, मैं उसी डिपार्टमेंट से आया हूँ। अबे तो पहली लाइन यो बोलो ना घुसते ही, इतना टाइम पास करवा दिया, बिल्कुल हम टीवी सीरियल बना रहे हैं इतनी देर से। रिपोर्ट क्या दिखाओ। ये लो रिपोर्ट जी। मैडम जिस गन की फोटो आपने भेजी थी वो गन टिंचू पुरवा जेल के जेलर की गन थी।
जिसको के छीन कर पप्पू प्रेमी नाम का क्रिमिनल 2 साल पहले भागा था और वो आज तक पकड़ में नहीं आया मैडम, क्योंकि वो बार बार ना जगह बदलता रहता है। वैसे शनि का दोष है, गर्लफ्रेंड बेहोश है मैडम। बस पर ईब वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो गन देखते ही मैं समझ गई थी कि यो गन सरकारी गन से, और उस चैंटू के पास सरकारी गन का क्या काम। इसका मतलब कि वो प्रेमी और कोई ना बल्कि चैंटू है इन डिस्गाइज। तो मैडम फिर चल के उसको पकड़ के ले आते ना। पकड़ तो सके हैं उसे हम बिल्लू, पर उसके पकड़े जाने से वो जो बाकी बच्चे हैं उनका क्या होगा, वो बच्चों का क्या होगा जो उसे भगवान मानते हैं और उसकी वजह से अपने परिवार और पेरेंट्स को छोड़ के बैठे हैं। उन बच्चों की आंखों से चैंटू का पर्दा उठाना होगा, जो उठेगा आज रात। Yes. Oh my God. How you doing? हम यहाँ पूरी जगह तुमको टेंट में ढूंढ रहा है, तुम यहाँ पेंट में खड़ा है। Actually, अब हम तुम्हारे ग्रुप में ज्वाइन हो गया है और तुम्हारा हाथ में भी ज्वाइन हो गया है, इसलिए हम एक छोटा सा मिनी सिक्योर शो का कॉन्ट्रीब्यूशन तुमको करना चाहते हैं। क्योंकि लाइफ लास्टर है, दुनिया तुम्हारे पास किधर से आए डार्लिंग? हाउ यू डूइंग? एक्चुअली अब हमको तुमसे लव हो गया है ना, अब हम तुमसे कुछ नहीं छुपाएगा, अपना असलियत बता देगा। एक्चुअली हम एक बहुत बड़ा चोरनी है। Very big, massive, huge, gigantic, magnanimous, very big. Wow! अभी तुमने मुझे सब सच सच बोले हैं तो मैं भी तुमको अपनी असलियत बताएंगे। मेरा नाम पप्पू प्रेमी है जी। हाँ, मैं भी बहुत बड़ा चोर हूँ। वो अटला बैंक है ना, उसमें 3 करोड़ की चोरी की थी मैंने, और वो पैसे सारे मैंने छुपा दिए, और 2 साल पहले जेल से भागा हूँ मैं, बस उसके छुपने के लिए इधर उधर ये नया काम शुरू किया मैंने। फैमिली फ्रॉड है, फ्रेंडशिप गॉड है। आई एम सो हैप्पी, जॉयफुल, एक्सटैटिक। अब वेरी नाइस, हम दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम पटाखा होगा। हम शादी करेंगे, फिर हमारे बच्चे मिलके पूरी दुनिया को लूटेंगे, एंड वी विल जस्ट चिल। हाउ आर यू डूइंग? आज रात ही हम इंडिया छोड़ के चले जाते हैं, ओके? बाहर किस जाएंगे? मेरे पास तो पासपोर्ट नहीं है। डोंट वरी अबाउट दैट, मेरा एक फ्रेंड है कांचा, यू नो ही इज रियली कूल, ही इज वेरी स्मार्ट, वेरी यूजफुल। वो आज रात को ही हमारा पासपोर्ट भी बना देगा और वीजा भी लगवा देगा। यस, बट तुम एक काम करना, तुम वो कितना छुपाया है तुमने? 3 करोड़। यस, वो 3 करोड़ लेकर तुम रेडी रहना, मैं सारे हीरे लेकर रेडी रहूंगी, और फिर वील गो। यार कहाँ रह गई, कहीं गोली तो नहीं देगी मुझे? इतने पैसे ले खड़ा। Hello, how you doing? Life laughter है, दुनिया मेरा after है। I'm so excited. सब रेडी है, मेरे हीरे में ले आई। ये देखो मैं भी अपने 3 करोड़ ले आया पूरे। वो कांचा कहाँ? आपका कांचा नहीं आया? कांचा is always so punctual, पता नहीं कहाँ रह गया। कांचा, कांचा, कांचारी, कांचारी, प्यार मेरी कांचा, कांचा आ गई मिम्शा। So nice to see you, कांचा। पासपोर्ट लाए हो? ओ बिल्कुल लाई मिम्शा। ये आपका पासपोर्ट है, ये आपका वीजा है, ये शादी का पासपोर्ट है, ये शादी का वीजा है। कांचारी, कांचारी, प्यार मेरी कांचा। Lovely, so nice. अच्छा हनी, ये जो 3 करोड़ कैश है ये तुम कांचा को दे दो। ये क्या बात कर रहे हैं आप, इसे कैसे दे दूं मैं ये? Oh my God, you don't understand. देखो ये 3 करोड़ कैश रुपीस तुम कांचा को देगा तो अब्रॉड में हमें डॉलर्स में मिल जाएगा।
डॉलर्स में मैं भी अपने हीरोइन को ही दे रही हूँ ये लो कांचा Come on, give it to him. वरना एयरपोर्ट पे हम पकड़े जाएंगे. Customs, police, you don't understand. नहीं, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन इस पे इतना यकीन है आपको? ओहो, तुमने देखा नहीं इसकी कंजी आंखें हैं? कंजी आंखों वालों पे हमेशा भरोसा करना चाहिए, सुना नहीं? मैंने सुना है लेकिन उल्टा सुना है कि उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। Oh my God, गलत सुना है। Come on, now give it to him. Late, all right. Come on, come on, come on. शाजी, मैं शाजी दम शाज बोलते हैं। खांचारी, खांचारी, चार मेरी शाजा। अरे। Oh, don't worry. Abroad में हमें dollars मिल जाएंगे। हाँ, अब चलो, देर हो रही है। चलो। Airport में मुझे duty free से shopping भी करना है। मैं कराऊंगा। अरे, मैं कराऊंगा। चलो। हाँ, देखो ये है वो आदमी जिसने तुम सबसे तुम्हारा घर छुड़वा दिया तुम्हारे घर वालों के लिए तुम्हारे दिल में नफरत पैदा कर दी आज खुद इसके साथ शादी रचाने जा रहा है राजकल वाह चिंटू उस्ताद वाह हम लोगों ने तुम्हारे बहकावे में आके अपना घर छोड़ा अपने बाप की कीमती घड़ी चुराई और हमें धोखा देके जा रहे हो खबरदार खबरदार जो सामने कोई आए गोली मार दूंगा मैं ऐसे कैसे मार देगा तू गोली हैं? जैसे कि तू चैंटू चवन्नी ना है बल्कि पप्पू प्रेमी है वैसे ही मैं कोई सूजी ना हूँ मैं हूँ चंद्रमुखी चौटाला इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला समझा तू या मैं हूँ गोपी इसदा जो पहनता है कानून की टोपी इसदा खांचारी खांचारी प्यारी मेरी चाचा ये देखो गुड जॉब बिल्लू चलो अरेस्ट करो इसको सुसराने क्यों हो गया हाँ माय डियर मुर्गी भाई सबको पश्चाताप हो गया सबने कुछ ना कुछ बोल लिया कुछ ना कुछ कह लिया तेने ना कुछ कहना है मैडम मैं क्या कहूँ मेरे भैया ने मुझे डैडी की तरह प्यार किया और मैंने अपने भैया के लिए इतना बुरा भला किया मैं बहुत बुरी हूँ अब मैं घर नहीं जाऊंगी आई डोंट केयर अरे यो सब बेकार की बातें छोड़ चल अपने भाई के घर चल माफी मांग उससे yes! मैं अपने भैया को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं घर नहीं जाऊंगी आई डोंट केयर अरे 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 ब्रदर एंड सिस्टर क्राइंग जोड़ी यार अरे ये किस बात का रोना है मैंने थारे से कही थी ना कि रक्षाबंधन वाले दिन थारी कलाई में थारी बहन राखी बांधेगी तो ये बात था यू वेटिंग फॉर क्रिसमस बांध अपने भाई ने राखी क्लैपिंग एवरीबॉडी इस बात से हमने क्या सीख ली कि फैमिली गॉड से और चैंटू चवन्नी फ्रॉड्स मुर्गी ने तो अपने भाई की कलाई पर राखी बांध दी अब रुबीना तुम भी मेरी कलाई पे ये राखी बांध दो